नमस्कार दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से हमने ये हमारा जो लेक्चर है वो बीच में ही रह गया था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम डीम डोनर को देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि डीम डोनर का मतलब क्या होता है। तो डीम डोनर का मतलब होता है कि जहाँ पे इनकम टैक्स उसे ऑनर मान लेगा, भले ही हमने वो ऑनर नहीं है, यानी उसकी रेजिडेंशियल इनकम मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसी और के हैंड में टैक्सेबल होगी। कैसे? इसके कुछ कैसेज हैं। ट्रांसफर टू स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ, अगर आप बिना किसी कंसिडरेशन के अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉपर्टी, तो वह ट्रांसफ़र डीम्ड ओनर माना जाएगा। ट्रांसफ़र टू माइनर चाइल्ड, अगर आप किसी माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो भी डीम्ड ओनर कौन होगा? जिसने ट्रांसफ़र किया है, यानी कि ट्रांसफरर डीम्ड ओनर हो रखा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कई बार जो ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होता है उसकी इनकम 2.5 लाख या 5 लाख से ऊपर हो जाती है, और वो अपनी इनकम में टैक्स बचाने के लिए, कि अब मेरे अगर और भी इनकम होती है तो मेरे ऊपर टैक्स लगेगा, तो अपनी इनकम को ऊपर टैक्स बचाने के लिए वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है अपने स्पाउस या चाइल्ड के नाम पे, ताकि जो अब उनके अकाउंट में तो कोई इनकम आती नहीं है, तो और 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वैसे के वैसे रह जाती है, तो क्या करता है, उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को उनको ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि हाउस को ट्रांसफ़र कर देता है ताकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ट्रांसफ़र हो सके, और ताकि उनके ऊपर टैक्स का बर्डन जो है वो कम हो सके। इसी के अलावा मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, AOP और कंपनी, कई बार क्या होता है कि एक आपने सुना होगा हाउसिंग सोसाइटी वगैरह, तो उसका ओनर हाउसिंग सोसाइटी होती है, लेकिन उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो डीम डोनर कहलाते हैं। यानी अपने कई बार एक बिल्डिंग होगी जिसका हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ सब सभी लोग किराए पर रह रहे हैं, सॉरी अपना अपना घर लेके हैं, लेकिन एक मेंटेनेंस सोसाइटी बनाई हुई है, तो वहाँ पे हम डीम डोनर उस मेंबर को मानेंगे जो वहाँ पर रह रहा है, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को। पर्सन इन पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, इसके अलावा पर्सन हैविंग राइट इन ए प्रॉपर्टी नॉट लेस देन 12 ईयर्स, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आपने एक लीज साइन किया है, यानी आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि मैं इस पर्सन को 12 साल या उससे ज़्यादा के लिए रेंट पर देने के लिए तैयार हूँ, तो जैसे ही आप उसे 12 साल से ज़्यादा के लिए रेंट पर देते हो, तो उस सामने वाले पर्सन को डीम ओनर मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये पाँच पाँच की सिचुएशंस हैं जहाँ पे ओनर को टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, जो वाकई में आपको दिख रहा है, बल्कि उसमें डीम्ड ओनर को टैक्स लाइबिलिटी है अराइज होगी। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हम एक पूरा एक बड़ा वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी। हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले म्यूनसिपलिटी वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, उसके बाद में रेट ऑफ म्यूनसिपलिटी टैक्स, एंड उसके अलावा ये कब कंप्लीट हुआ, इसके अलावा इंटरेस्ट जो इनके ऊपर हमें हर साल मिल रहा है, यहाँ कैलकुलेटेड है। इसके पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, वन एंड देयर इज अ सेकेंड। म्यूनसिपलिटी वैल्यू फर्स्ट की है 10,000, दिस इज ऑल फिगर ऑफ पर मंथ, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी की फिगर है पर मंथ। 10,000 है ये, फेयर रेंट है 15,000 और स्टैंडर्ड रेंट है 9,000। 31-3, सॉरी रेट है 10%, कंप्लीट हुआ है ये 31-3-1999 को, और इंटरेस्ट की है इसके ऊपर 1 लाख की डिडक्शन। वहीं सेकंड में म्यूनसिपैलिटी वैल्यू है 11,000, फेयर रेंट है 15,000, 13,000 है अपना स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपैलिटी टैक्स वही 10%, कंप्लीट हुआ है ये 31-3-1999
2001 को, और इंटरेस्ट की डिडक्शन इसमें मिलती है 3 लाख की। अब हमें कैलकुलेट करना है दोनों पे, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अब दो हाउस प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं रख सकते, तो आपको किसी एक को टैक्स देना पड़ेगा और किसी एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2। तो सबसे पहले हम दोनों का जीएवी निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में किसी एक को मानेंगे और किसी, तो जीएवी हम एक कॉमन कैलकुलेशन है जो दोनों अल्टरनेटिव में काम आएगी, यानी कि जब हम इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और इसे रेंटेड, तब भी जीएवी वही रहने वाली है, और तब जीएवी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जीएवी की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले म्यूनसिपैलिटी वैल्यू और फेयर रेंट में से हायर जो है वो लिया जाता है, और म्यूनसिपैलिटी वैल्यू है इसका 10,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000 ईयरली। 15,000 का हो जाएगा 1,80,000, इसमें हायर आने वाला है क्या, 1,80,000। और HP2 में 11,000 के हिसाब से हो जाएगा 1,32,000, और 15,000 के हिसाब से 1,80,000, तो यहाँ पर भी जो है हायर 1,80,000 आने वाला है। अब आगे देखते हैं, तो स्टैंडर्ड रेंट से जब हम कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट इसका कितना था, 9,000 पर मंथ, उस हिसाब से हुआ हुए 1,08,000। तो अपना जो एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा वो क्या है, 1,08,000, लोअर ऑफ इन दोनों का लोअर 1,08,000, और यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट था, सॉरी स्टैंडर्ड रेंट था 13,000 पर मंथ, 13,000 के हिसाब से 1,56,000, और एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 1,56,000। यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारा जीएवी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ कोई लेट आउट किया नहीं है, तो जीएवी हमारा दोनों में निकल के आएगा 1,08,000, और हाउस प्रॉपर्टी 2 में 1,56,000। अब हमें जीएवी की बेसिस पे तो आगे डिसीजन नहीं देना है, तो हम आगे अब सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड मान के आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाउस प्रॉपर्टी 1 को रेंटेड मान लेते हैं, और हाउस प्रॉपर्टी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के टैक्सेबिलिटी करते हैं। तो यहाँ 1,08,000 हमारा जीएवी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जीएवी नील, जीएवी आ गया। म्यूनसिपलिटी टैक्स जो है वो 10% ऑफ म्यूनसिपलिटी वैल्यू, म्यूनसिपलिटी वैल्यू थी 1,20,000, तो इस हिसाब से 12,000 यहाँ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, 00। एनएवी हमारा क्या जाएगा, तो एनएवी इसमें से नील निकल के आएगा, और इधर जो है हमें 12,000 डिडक्ट करने के बाद 96,000 हमारा एनएवी निकल के आता है। उसके बाद हमें जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन की मिलेगी छूट 30%, 96,000 का 30% होता है 28,800, वहीं इधर हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब यहाँ इंटरेस्ट की डिडक्शन भी हमें मिलेगी, इंटरेस्ट क्योंकि अब हमने इसे रेंटेड माना है, तो 30,000 की लिमिट यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि पूरे के पूरे 1 लाख हमें डिडक्शन के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ चूँकि हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, तो 3 लाख की डिडक्शन पूरी नहीं मिलेगी, और हमें केवल मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन ही यहाँ अप्लाई होगी, और इस तरीके से हमारा यहाँ लॉस आएगा 2 लाख का, और इधर भी हमारा लॉस आएगा कितना, 32,800 का हमारा लॉस आ जाएगा, ठीक है, दोनों में लॉस। टोटल जो हमारा लॉस हुआ वो हुआ 2,32,800, ठीक है। अब इनकम में हम लोअर साइड देख के चलते, जब हम लॉस में जाएंगे, यानी कि अगर हम दोनों दोनों अल्टरनेटिव में लॉस आता है, तो हम उसमें जो हायर लॉस होगा हम उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हम अल्टरनेटिव 2 देखते हैं, यानी अल्टरनेटिव 2 में सेम वही वापस
जी ये भी इस बार लेकिन हाउस प्रॉपर्टी 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और हाउस प्रॉपर्टी 2 को रेंटेड मानेंगे और इस हिसाब से हम उसे सोल्व करेंगे। जीएवी जो है हमारा इस बार इसमें नील आ जाएगा और उसमें हमारा जीएवी जो है 1,56,000 जो हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, आपको ध्यान नहीं है अगर तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। 1,56,000 हमारा आ जाएगा। म्यूनसिपलिटी टैक्स फिर से इसमें कुछ नहीं होगा और इसमें 13,200 का म्यूनसिपलिटी टैक्स आपको अलाउ होगा। एनएवी हमारा आ जाएगा 1,42,800, यहाँ एनएवी भी नील आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन चूँकि यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ पे नील। इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ पे मैक्सिमम आपको 30,000 अलाउ होगी, तो 30,000 हमने लिख दी और हम यहाँ पे 30,000 का लॉस ले आएंगे। यहीं पे जब स्टैंडर्ड डिडक्शन की क्या होगी, 1,42,800 का 30% जो आएगा 42,840 एंड इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको 3 लाख की कंप्लीट मिल जाएगी। इस तरीके से जो हमारा लॉस निकल गया वो निकल गया 2,40,000, ठीक है। और अब हम जब टोटल करेंगे इनका तो ये 1 लाख नहीं है, ये 30,000 ओनली, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,30,040। तो हम जब दोनों को लॉस को कंपेयर करेंगे तो हमारा ये लॉस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से चलेंगे, यानी अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। वो जो लॉस आएगा वो हम जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को वहाँ लेके जाएंगे, जब हम टोटल इनकम की कंप्यूटेशन करेंगे। ये हम लास्ट के चैप्टर में देखेंगे कि हम टोटल इनकम की कंप्यूटेशन कैसे करते हैं और लॉस वगैरह का सेटअप कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय।